हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट, जो कि शंकर आईएएस एकेडमी की बुक से है। तो इसमें हमारी पार्ट थर्ड चल रही थी, काफ़ी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले यूपीएससी मेंस के लिए। कोई भी स्टेट पीसीएस की मेंस दे रहे हो तो भी, क्योंकि ये पेपर ऐसी है ना कि आप एक ही पेपर में नहीं यूज़ कर सकते हो सिर्फ एनवायरमेंट की, आप एसए में भी कर सकते हो, आप करेंट अफेयर्स में भी कर सकते हो, आप ज्योग्राफी के सेक्शन में भी कर सकते हो। तो इसलिए एनवायरमेंट की पोर्शन बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसकी सीरीज़ भी स्टार्ट की हूँ कि जिससे आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन, और देखते हैं उससे पहले कि हमें पढ़ना क्या है। इस बुक की ये इंडेक्स है, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज में देख रहे थे, और आज तक हम लोग जो है दो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज और सेकेंड है ओशन एसिडिफिकेशन। आज हम लोग ओजोन डिप्लेशन देखेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों को भी पता है कि ओजोन डे बाय डे डिप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि ओजोन होल जो है ना रिकवर हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग फिर से एनालिसिस करते हैं और स्टैटिक पार्ट जो है उसको डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितनी भी लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है उन सारी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 से, और इसमें हम लोग देखेंगे ओजोन डिप्लेशन। ओके, तो हर एक चीज़ की मीनिंग यहाँ पे समझते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ओजोन से, पहले समझते हैं कि एक्चुअली ओजोन हम लोग कहते किसको है। तो आप लोग सुने होंगे ऑक्सीजन, सुने क्या, आप लोग इनहेल भी करते हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो यहाँ पर फॉर्मूला होती है वो होती है केमिकल फॉर्मूला, अगर कहो तो O2 होती है, और वहीं अगर ओजोन की देखें तो O3 होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ओजोन जो है वो आपका नेचुरल गैस है, और ये एलेक्ट्रॉप्स है। इसमें आपको ओजोन की मात्रा देखने को मिलेगी, 3 एटम्स होते हैं ओजोन की, जैसे कि O3 मैं बता रही थी। तो यहाँ पे आपका 3 एटम्स होता है ओजोन का, जो कि एक दूसरे से बाउंड होते हैं, और जो केमिकल सिंबल है वो है O3। ये आपका दो डिफरेंट लेयर जो एटमोसफेयर का होता है ना, उसमें पाया जाता है। ओजोन जो है ट्रोपोस्फेयर में अगर जो पाया जाता है उसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे एयर को डर्ट कर देती है और स्मोक को फॉर्म करने से ना उसमें हेल्प करती है, जो कि हमें जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होता है। ओके, तो ये फ्रेश एयर नहीं हो पाता, इसलिए जो आपको यहाँ पे कहा गया है कि एटमॉस्फेयर के दो लेवल पे पाया जाता है, दो लेयर। सबसे पहला जो लेयर है वो आपका होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका होता है मेसोस्फेयर, फिर होता है आपका थर्मोस्फेयर। ओके, इसके ऊपर आपका आयनोस्फेयर हो जाता है। तो ये आपका लेयर है एटमॉस्फेयर का, इन दो लेयर में आपका जो है यहाँ पे ओजोन पाया जाता है। तो जो यहाँ पे ओजोन आपका ट्रोपोस्फेयर में है ना, उसको बैड ओजोन कहते हैं, लेकिन जो ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है सेकेंड लेयर में, उसको हम लोग गुड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। जो भी सन रेज जो हमारे अर्थ में आती है ना, तो क्या होता है कि सन रेज जो हमारे अर्थ में आती है उसमें बहुत तरीके की केमिकल हार्मफुल रेज होती है, जिसको यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो इस तरीके का ओजोन लेयर ना एक परत बना देता है, कि जिससे कि ये सारी रेज जो है ना इसमें आती है सबसे पहले, और इससे छन कर जो अच्छी रेज होती है वो अर्थ के सर्फेस तक पहुँच पाती है। तो इसलिए ओजोन लेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सर्वाइविंग में। जो ओजोन लेयर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्फिग्रेशंस ओजोन मॉलिक्यूल का देखने को मिलता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरीके से है कि ओजोन इफिशियंटली एब्जॉर्ब कर पाती है अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये एक्ट करता है एक सनस्क्रीन के जैसा। ओके, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है यहाँ पर आपका डैमेज करती है, यानी कि डायरेक्ट डैमेज आपके जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं और जो DNA होते हैं एनिमल और प्लांट सेल के, इसको यहाँ पर आपका डैमेज करती है। साथ ही अगर मैमल में ये एक्सपोज हो जाए आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो ये यहाँ पर इम्यून सिस्टम को भी वीक करती है, और साथ ही साथ काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी से रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ भी हो जाती है, और साथ ही स्किन डिजीज़ भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने की पूरी कोशिश किया जाता है, और ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाया जाता है, इसलिए ओजोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग हर समय ओजोन के बारे में पढ़ते हैं, और पूरी मीडिया जो है इसके बारे में कवर भी करती है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं डू यू नो में। होलोक गिबन जो है वो सिर्फ एक ऐसा ऐप है जो कि इंडिया में पाया जाता है, और रेस्ट ऑफ द जो मंकी है ना, ये भी एक तरीके का मंकी ही होता है। तो और सारे जो मंकीज़ होते हैं वो मकाऊ होते हैं और लंगूर्स होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, पाम्स की बात करें तो टिपिकली ये अनब्रांच ट्री है, इसमें कोई भी तरीके का आपको ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें सिर्फ एक ट्रंक है, यानी कि एक बस स्टेम है इस तरीके का, और ये आपका पाम ट्री होता है। इसको हम लोग कॉर्डेक्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपका क्राउन ऑफ लार्ज लीफ में जाकर एंड होता है, एक लीफ होता है, इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो पत्ते के लास्ट में जाकर जो एंड होता है उसको हम लोग इस ट्री को कॉर्टेक्स पे कहते हैं। ओके, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन है जो कि इस बुक में दी रहती है, तो काफ़ी अच्छी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओजोन जो है
प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीजन को, और वो भी लोअर एल्टीट्यूड में, जिसमें कि वो ब्रेकअप हो जाता है एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट से। और ये हम लोग के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, उसको भी यहाँ पे आपका अच्छे से रखता है जब अर्थ सरफेस में पहुँचने से, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे अर्थ सरफेस में पहुँचती है तो ओजोन लेयर उसको पहुँचने नहीं देता है, उसको वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी रिस्क है अल्ट्रावायलेट रेज का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अर्थ सरफेस में ज़्यादा वो रेज आ नहीं पाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हमें नहीं देखने को मिलता है। साथ ही बहुत ज़्यादा अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमें अगर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाए ना हम, तो हमारी स्किन कैंसर भी हो सकती है, और काफ़ी प्लांट्स एनिमल्स को ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, अब मेनली हम लोग मुद्दा में आते हैं कि ओजोन डिप्लीशंस क्यों हो, ओजोन डिप्लीशंस हम लोग कहते हैं किसको है। ओके, तो ओजोन डिप्लीशंस जो है, इसमें सबसे पहला देखेंगे इक्विलिब्रियम में चेंजेस। ओके, तो जो इक्विलिब्रियम है ना, वो आपका फॉर्मेशन और जो डिस्ट्रक्शंस होता है ओजोन, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या होता है? बैलेंस बनाना, इक्वल। ओके, इक्वल से इक्विलिब्रियम आया आपका, तो बैलेंस बनाना, यानी कि ओजोन कितना फॉर्म हो रहा है और ओजोन कितना डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो आपका पार्ट है ना, उसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका एटमोसफेयर में होता है और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इसको डिस्ट्रॉय भी करता है। जो रेट है, जिस रेट में आपका ओजोन जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बहुत फास्ट है, और जिस रेट में आपका फॉर्म हो रहा है, यानी कि ओजोन जो फॉर्म हो रहा था वो तो हो चुका है, लेकिन जिस रेट में आज के डेट में डिस्ट्रक्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ओजोन में होल देखने को मिल रहा है, उसका रेट बहुत ज़्यादा फास्टर है। ओके, इससे आपको देखने को मिलेगा एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि काफ़ी यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है ओजोन की कंसनट्रेशन में, वो भी पर्टिकुलर रीजन के हमारे एटमोसफेयर के, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं ओजोन डिप्लीशन। यानी आज के डेट में ओजोन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डिप्लीट हो रही है, बर्बाद हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो है हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर में, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन कह रहे हैं। ओके, द बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग इस तरीके का ओजोन डिप्लीशन देखें, तो वो है एटमॉस्फेयर, जो कि आपको अंटार्कटिक रीजन के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ 50% जो ओजोन है ना, वो ओरिजिनली अकर्ड होते हैं, यानी कि 50% ही सिर्फ अंटार्कटिक रीजन के ऊपर जो है आपका ओजोन लेयर बनता है, और जो आपका एक्चुअल रियलाइजेशन है ना ओजोन डिप्लीशन का, वो यहाँ पे 1985 में आया था। कब पता चला था कि ओजोन डिप्लीट हो रही है? क्योंकि ओजोन लेयर आपका जो है नेचुरली अकर होता है, ओजोन लेयर आपका नेचुरली वहाँ पर फॉर्म भी होता है, तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपका ओजोन लेयर है वो कब डिप्लीट हो रहा था, तो ये पता चला है 1985 से। ओके, अब आते हैं, देखते हैं सोर्सेज है कि कौन कौन सी सोर्सेज ऐसी रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है। तो सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसमें आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, जो कि क्लोरो है, फ्लोरो है यानी कि फ्लोरीन है, और आपका कार्बन है यानी कि कार्बन है। इन तीन का आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका कहाँ यूज़ होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग जो है रियली यूज होते हुए देखोगे रेफ्रिजरेंट में होता है, साथ ही एरोसोल स्प्रे जो होता है उसमें होता है, जितने भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आप फोमिंग एजेंट देखोगे तो उसमें होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर्स जो कि आग लगती है तो पानी से उसको जो बुझाया जाता है तो फायर एक्सटिंग्यूशर्स एजेंट में होते हैं, सॉल्वेंट में होते हैं, जितने भी क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंपोनेंट होते हैं ना उसमें होता है, या फिर फ्रीजिंग फूड में होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका आज के डेट में एयर कंडीशन में भी होता है, तो इसलिए ये सारी जगह पर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिलेगा। 2/3 जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वो रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं यूज़ होता है तो वो आपका रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, और 1/3 जो देखेंगे तो वो आपका ब्लोइंग एजेंट में यूज़ होता है, जैसे कि फोम वगैरह बनता है ना, तो उस सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो अब ये बात समझते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना एक्चुअली आपका चिलिंग के लिए यूज़ होता है, कि कहीं भी ठंडा अगर आपको देना है, ठंडा अगर रखना है, तो उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, हमारे एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, लेकिन फिर भी आज के डेट में हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप देखोगे तो वाइड और वेराइड एप्लीकेशंस है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ के कारण, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ही खास है। ये नॉन कोरोसिव है, ये नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी है, नॉन टॉक्सिसिटी है, और केमिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्टेबल होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। साथ ही इसमें कभी भी कुछ भी जंक वंक नहीं लगता है, इसमें आपका आग लगने का भी कोई यहाँ पर बात नहीं होती है, और ये आपका जहरीला भी नहीं होता है। ओके,
अब इसकी लाइफ टाइम और रिमूवल के बारे में देखते हैं कि इसका कितना आपका लाइफ टाइम होता है और कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो दूसरे केमिकल्स के जैसा नहीं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसको हम लोग एटमोसफेयर से नहीं हटा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपका फोटो डिसोसिएशन, ब्रेन आउट, ऑक्सीडेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती है, लेकिन हम लोग इसको नेचुरली नहीं हटा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो रेसिडेंस टाइम अगर आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एटमोसफेयर में कि कब से ये रह रही है, कब से हमारा एटमोसफेयर में प्रेजेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आपका 40 से 150 ईयर्स बैक से ये प्रेजेंट है। और इस पीरियड से आप देखोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है और ये रैंडम डिफ्यूजन से ट्रोपोस्फेयर से लेकर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उससे लेकर स्ट्रेटोस्फेयर में ये आपका जो है अपवर्ड मूव करते जा रहा है। अब एस्केप देखते हैं, यानी कि आपका जो छुटकारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उसके बारे में देखते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एटमोसफेयर में इंटर होता है, और कैसे होता है तो ग्रेजुअल इवोपोरेशन से होता है कुछ सोर्सेज से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है डिस्कार्डेड रेफ्रिजरेट, यानी कि जो आपका रेफ्रिजरेटर बर्बाद ख़राब हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका एटमॉस्फेयर से डिस्कार्ड हो जाता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थर्मली स्टेबल होते हैं ना वो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो वो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। केमिकल रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आते हैं नीचे और केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन प्लस देखेंगे तो ये क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस मोनोक्साइड अगर देखेंगे तो इससे आपका क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। नेट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो ओजोन का देखेंगे तो ओजोन प्लस ओजोन मोनोक्साइड, यानी कि O3 देखेंगे तो ये आपका जो है ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन मोनोक्साइड O2 प्लस O होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है ये ओजोन का आपको केमिकल रिएक्शंस याद रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ बताया जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर में बताया जा रहा है। देखिए ये आपका हो गया अल्ट्रावायलेट कॉजेज अ क्लोरीन एटम टू ब्रेक वे फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो रहा है, ये अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपका क्लोरीन निकला और ये क्लोरीन जो है ये आपका फ्री क्लोरीन है और ये जाके ओजोन से यहाँ पे आपका रिएक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन मोनोक्साइड बन गया, यानी कि ये तीन यहाँ पे ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन आपका क्लोरीन के पास चला गया, तो ये आपका क्लोरीन मोनोक्साइड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया। उसके बाद ये फ्री ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और ये क्लोरीन आपका जो है मोनोक्साइड है और एक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ हो गए, ओ और प्लस ओ जो है O2 यहाँ पे बन गए और उसके बाद फ्री आपका क्लोरीन हो गया, जो कि यहाँ पे अनदर फ्री क्लोरीन को यहाँ पे फॉर्मेशंस दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स से जो है ना लास्टली यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर में देखोगे तो फ्री क्लोरीन का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि फ्री क्लोरीन जो है ना यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है स्ट्रेटोस्फेयर में। यही कारण है, यही जो फ्री क्लोरीन आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना उसके कारण आपका जो है ओजोन डिप्लीट हो रही है। ओके, तो काफ़ी अच्छी कंसेप्ट है, इसको आपको याद करना होगा, इसको आप कॉपी में भी अपना आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जो ओजोन का डिप्लीशन है ना वो कैटलिस्टिक है, यानी कि जो आपका जो एलिमेंट है जो ओजोन को यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि आज के डेट में आपको पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट है तो वो है क्लोरीन, जिसके कारण आपका ओजोन डिप्लीट हो रहा है। तो इसको रिफॉर्म किया जाता है एट द एंड ऑफ द साइकिल, जो साइकिल चल रहा है ना ये वाली जो अभी हम लोग डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये साइकिल आपका हमेशा चलते रहता है। तो इस साइकिल से जो है ना एट द एंड ऑफ द साइकिल में इसको फिर से रिफॉर्म किया जाता है। तो जो सिंगल क्लोरीन एटम है ना वो डिस्ट्रॉय करती है थाउजेंड ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को, जब ये रिएक्टिव नाइट्रोजन के में इंटर करने वाली रहती है ना तो उससे पहले ये थाउजेंड ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है ना उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, और फिर उसके बाद एक फ्री रेडिकल जो आपका क्लोरीन होता है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देती है। तो इस तरीके से ये जो आपका साइकिल है ना ये आपका चलते रहता है ओजोन डिप्लीशंस का। तो इसीलिए आज के डेट में क्लोरीन, यानी कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट में, एसी वगैरह में और जितने भी फोम स्प्रेज है ये सारी चीज़ों में यहाँ पे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है, यूज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपका एटमोसफेयर में चला जाता है, एटमोसफेयर के भी स्ट्रेटोसफेयर पार्ट में चला जाता है। स्ट्रेटोसफेयर पार्ट में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर फ्री आपका क्लोरीन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका प्रेजेंट होता है और उसके कारण वो ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद जो है अल्टीमेटली एक फ्री आपका क्लोरीन प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण आपका ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओके,
अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, जैसे कि बार्किंग डियर है और कॉमन जो मुंडचैक है ना, वो एक ऐसा मेमल है जिसमें कि आपको लोएस्ट रिकॉर्डेड क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 23 होता है एक मैमल में, तो इसमें सबसे कम आपको क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है ना सिमिलर बार्किंग जैसा इसको आपका सेंसिंग दिया जाता है और एक प्रीडेटर जैसा इसको सेंस किया जाता है। स्टेटस अगर आज के डेट में देखेंगे तो लिस्ट थ्रेटेंड है, यानी कि इनकी स्पेसिस धीरे धीरे कम हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सब्सिट्यूट्स है वो भी देख लेते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्सिट्यूट है ना, वो सेफ होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, और यहाँ की जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करे, इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट हो जिसमें कि लो ओजोन लेयर डिप्रेशन पोटेंशियल हो और साथ ही लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी हो। तो इस तरीके का आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 की बात करें तो ये वाइडली यूज होता है हमारे रेफ्रिजरेंट में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे HFC की बात करें तो यहाँ पे आपका मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है जो कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा यूज़ होता है। तो HFC में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का मात्रा देखने को मिलेगा और यहाँ पे कार्बन का मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ये अल्टरनेटिव में यूज़ होता है। सेकंड चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सोर्सेज के बारे में, तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, वो मेनली यहाँ कैसे होता है, कैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है आज के डेट में एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका रीज़न है वो है थर्मोन्यूक्लियर वेपन। जितना भी वेपन वगैरह आपको देखने को मिलता है, बम वगैरह जो ब्लास्ट वगैरह होता है, तो उनसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। सेकंड चीज़ है कि इंडस्ट्रियल इमिशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज में कुछ भी बनते हैं तो इमिट होती है, तो उसमें से भी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे निकलती है। और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, जो एग्रीकल्चर की फर्टिलाइजर्स है उसको भी यहाँ पे जब आपका यूज़ किया जाता है तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपका निकलता है। अब केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस ओजोन अगर हम लोग करेंगे तो इसमें आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलता है। ओके, तो मेन आपको यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ओजोन निकल रहा है। फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसके साथ आपका मोनोऑक्साइड को यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकल रहा है। हालांकि अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा और नहीं याद रहती है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको याद करने का और नहीं समझने का। ओके, बस आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का आपका जो रिलीज़ हो रहा है एटमोसफेयर में वो कैसे हो रहा है, रीज़न पता होना चाहिए। अब देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एस्केप हो जाता है, यानी कि ये इसके ख़त्म जो हो जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका N2O जो है ना, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हम लोग ऊपर देखे थे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका NO हो गया और ये नाइट्रस ऑक्साइड आपका N2O हो गया, जो कि रिलीज़ होता है आपका सॉलिड से, और ये आपका डेंट्रिफिकेशन से होता है। जब नाइट्रेट्स को यहाँ पे डेंट्रिफिकेशन कर दिया जाता है, ये एरोबिक आपका कंडीशंस के अंदर जाता है, और नाइट्रिफिकेशन ऑफ एमोनिया में जब ये एरोबिक आपका कंडीशंस में जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप साइंस के भी बुक में पढ़े होंगे, अगर नहीं बुक में पढ़े हो तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ। दो तरीके का आपका कंडीशंस होता है, एक होता है एरोबिक कंडीशंस और एक होता है एनएरोबिक कंडीशंस। ओके, तो एरोबिक कंडीशंस में आपका ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है और आपका एनएरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है। तो ये एक तरीके का कंडीशन है जिसमें कि रिएक्शंस होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, ये आपका सॉलिड से रिलीज होता है जब यहाँ पे नाइट्रेट का डेनिट्रिफिकेशंस हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशंस हो जाता है। ओके, तो नाइट्रिफिकेशंस होता है जिसमें कि आपका अमोनिया रिलीज होती है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशंस ऑफ अमोनिया जब आपका एरोबिक कंडीशंस में आता है तो भी यहाँ पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होता है। ओके, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये आपका ग्रेजुअली रीच करता है स्ट्रेटोस्फेयर के मिडिल में, जहाँ पे आपका जो फोटोलाइटिकली ये डिस्ट्रॉय करता है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के एल्ड में, जो कि इसके बाद क्या होता है कि ओजोन डिप्लीट होती है। तो लास्टली आपको बस इतना ही याद रखना है कि ओजोन के डिप्लीशंस में जो आपका रिस्पॉन्सिबल गैसेस है या फिर सोर्सेज है, तो उसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका कैसे रिलीज होता है, तो थर्मोन्यूक्लियर आपका जो वेपन्स वगैरह का एक्सप्लोजन्स होके या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इमिशंस के कारण और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के कारण जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सब्सटेंस के बारे में। सबसे पहला है यहाँ पे ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग हैलोन्स कहते हैं, और यहाँ पे HBFC भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। और ये दोनों आपका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्यूशर्स में, मिथाइल ब्रोमाइड में। देखिए, आप जब भी कोई स्टेट PCS या फिर आप इस तरीके के UPSC के में भी ऑप्शंस के तर्ज पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर्स है इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि दोनों में जो है ना आपका ब्रोमाइन होता है। ओके, और साथ ही हाइड्रोब्रोमो
फ्लोरोकार्बन्स भी होती है ओके और हर एक ब्रोमाइन एटम जो है ना यहाँ पे 100 times मोर ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है, यानी आप समझ रहे हो कितना डिस्ट्रक्शंस हो रहा है ओजोन मॉलिक्यूल्स में, तो 100 times से भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्ट करती है, और जिससे कि आपका क्लोरीन से भी ज़्यादा करती है, यानी क्लोरीन जितना मात्रा में यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 1000 मात्रा में यहाँ पे आपका ओजोन डिप्लीट कर रही थी, तो उससे भी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ब्रोमीन ओके। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस, ब्रोमीन प्लस ओजोन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन का, उसके साथ अगर ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की बात करें और यहाँ पे प्लस कर दे क्लोरीन मोनोऑक्साइड से, तो यहाँ पे जो आपका रिलीज होगा वो होगा ऑक्सीजन, ब्रोमीन और क्लोरीन ओके। तो ब्रोमीन जो है यहाँ पे आपका ओजोन से कंबाइन होकर ब्रोमीन आपका मोनोऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया जाता है, जो फ्री एटम्स आपका जो है ना वो फर्दर रिएक्ट करता है ओजोन के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड आपका पार्टिकल्स के बारे में देखें तो ये पार्टिकल्स जो है जिसमें कि आपको फ्री क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर रिजर्वायर से, और ये रिएक्टिव नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है इनर्ट गैस में, इनर्ट फॉर्म में, और जिसके कारण हमारे क्लोरीन की जो रिजर्वायर है ना उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो एक बहुत ही सस्ता हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है जो कि यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्वेंट को के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग क्लोथ्स वगैरह मेडल वगैरह उसको यहाँ पे जब साफ़ करते हैं तो उसके लिए हमारा मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, और एक तरीके का प्रोपेलेंट है जो कि वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि करेक्शंस फ्लूड है या फिर ड्राई क्लीनिंग स्प्रे वगैरह में यूज़ होता है और दूसरे एरोसोल्स में भी यूज़ होता है ओके। अब आते हैं देखते हैं कि ओजोन लेयर को हम लोग मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि यहाँ पे हेल्प करती है कि एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने में, साथ ही साथ एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है जिसमें कि आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस के थ्रू, और ये आपका एटमॉस्फेयर में होता है और इंक्लूड कहाँ है तो आपका ओजोन लेयर मॉनिटरिंग में। तो ओजोन लेयर को जो मॉनिटर कर रहे हैं आज के डेट में, ये देख रहे हैं न्यूज़ लेकर आते हैं कि ओजोन लेयर कितना भाग डिप्लीट हो चुका है, कैसे ओजोन लेयर में होल देखने को मिल रहा है, वो कैसे आपका जो है आज के डेट में वो फिर से आपका ओजोन लेयर में जो होल हो चुका है वो आज के डेट में रिकवर हो रही है। तो ये सारी जो खबर है ना, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, ये आपके किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? तो फर्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है वर्ल्ड वेदर वॉच, थर्ड यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विस सिस्टम, और फोर्थ यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। तो ये चार आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओजोन लेयर को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही है। अब देखते हैं पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक जो क्लाउड है उसका क्या रोल है ओजोन डिप्लीशन में। आप मे भी आप लोग इस तरीके की चीज़ें सुने होंगे, तो इसलिए अगर ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड कोई भी जीएस पेपर या फिर इन्वायरमेंट में आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से लिख सको ओके। तो यहाँ पे आपका पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड का क्या यहाँ पे रोल है ओजोन डिप्लीशन में, तो वो देखते हैं। यहाँ पे थ्री टाइप्स का आपको स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड देखने को मिलेगा। सबसे पहला है नैक्रियस क्लाउड, जो कि आपका 100 किलोमीटर में यहाँ आपका एक्सटेंड होता है लेंथ में, और सेवरल किलोमीटर्स आपको थिकनेस में, मोटाई में देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ग्लो करती है और ये सील शेल लाइक होती है, यानी कि सी शेल में जो होता है ना, सी शेल जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लो करती है, तो उस तरीके का ये आपका ग्लो ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका नैक्रस क्लाउड ओके। सेकेंड टाइप का जो क्लाउड है उसमें आपका नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ना कि प्योर वाटर। और थर्ड टाइप का जो क्लाउड है ना उसमें आपका सेम केमिकल कंपोजिशंस होता है जिसमें कि नैक्रस क्लाउड में होता है, लेकिन जो फॉर्मेशंस जो आपका इस तरीके का आपका थर्ड टाइप का जो होता है ना वो काफ़ी स्लोअर रेट में मिलता है, और जिससे कि आपका लार्जर क्लाउड यहाँ पर फॉर्म होता है और इसमें आपका कोई भी इरिडेंसेस नहीं होती है ओके। क्लोरीन जो भी यहाँ पे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ब्रेकडाउन होता है, जब ये टूटता है तो क्लोरीन जो फॉर्मेशंस होता है, तो इनिशियली ये प्योर क्लोरीन होता है, बहुत अच्छा क्लोरीन होता है, और जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ना वो भी बहुत ही प्योर होता है, लेकिन ये जो दोनों आपका फिर से रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना क्लोरीन नाइट्रेट का और HCl का, वो यहाँ पे आपका स्टेबल है, यानी कि ये आपका इनएक्टिव क्लोरीन है। जो क्लोरीन फॉर्म होता है वो आपका प्योर क्लोरीन है, लेकिन फर्दर जब वो रिएक्ट करके आपका जब जो भी यहाँ पे आपका फॉर्मेशंस होता है मॉलिक्यूल का, तो उसके बाद ये एक्टिव आपका क्लोरीन हो जाता है ओके। अब आगे आते हैं, और जो स्टेबल कंपाउंड है आपका HCl का और ClONO2 का, तो ये आपका रिजर्वॉयर है जिसमें कि क्लोरीन रहता है ओके। तो इतना आपको डेप्थ में ये सारी चीज़ें उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि किस तरीके से आपका कन्वर्जन हो रहा है क्लोरीन का, वो भी एक्टिव से इनएक्टिव स्टेट में, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आ रही है सन से आ रही है, और यहाँ पे आपका क्या है कि ये क्लोरीनेटेड फ्लोरो
आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओके, ये आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इससे आपका क्लोरीन निकल रहा है जो कि बहुत ही प्योर और एक्टिव क्लोरीन है। फिर फर्दर ये रिएक्ट करता है दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब यहाँ पे क्लोरीन आपका जब रिएक्ट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ और जो आपका क्लोरीन के कंपाउंड में आपका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे HCl है, HCl है, ओके, तो ये दोनों जो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका इनएक्टिव क्लोरीन हो जाता है, ओके। अब आते हैं पोलर स्टैटोस्फेरिक क्लाउड का इफेक्ट, देखते हैं कि इससे होता क्या है। तो जो इन आपका यहाँ पे इनएक्टिव क्लोरीन आपको देखने को मिल रहा है जो कि है CLO, NO2 और HCl है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है Cl2 यानी कि क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद फिर ये आपका ओजोन से रिएक्ट कर रहा है जो कि आपका एक आपका एक्टिव क्लोरीन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो एक्चुअली है क्या वो समझते हैं, यहाँ पे आपको कोरिलेशन देखने को मिलेगा साइकिल ऑफ ओजोन डिप्लीशन में और जो आपका पोलर स्टैटोस्फेरिक क्लाउड का प्रेजेंस है उसके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन है। जैसे कि आपका आइस पार्टिकल्स जो आपको क्लाउड वगैरह में देखने को मिलता है ना, तो वो एक आपका केमिकल रिएक्शंस बनाने के लिए बहुत अच्छा एक आपका बेस क्रिएट करता है जिसमें कि क्लोरीन को फीड किया जाता है रिजर्वॉयर से, और यूजुअली जो रिएक्शन है वो HCl और CLONO2 के बीच में होता है जो कि काफ़ी स्लो है, और ये रिएक्शंस जो है फास्टर रेट में होता है आपके सुइटेबल सब्सटेंस सब्सट्रैंड के प्रेजेंस में जो कि ये आपका प्रोवाइड किया जाता है स्टेटोस्फेरिक क्लाउड में उस पोल्स में, ओके। तो ये बातें तो रही यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जैसे कि आपका HCl है, उसके बाद इसको अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं क्लोरीन नाइट्रेट से तो आपका एक मॉलिक्यूलर क्लोरीन यहाँ पे आपका फॉर्म होगा, ओके। हर स्प्रिंग में यानी कि जो स्प्रिंग सीजन होता है एक होल जो है वो बिग होते जा रहा है, जैसे कि US डेवलप हुआ था ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर, वो भी साउथ पोल में, यानी कि साउथ पोल में आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल में आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ना होल जो है बहुत बड़ा होते जा रहा है ओजोन लेयर में, और एक स्मॉलर होल जो है ना वो एक हर साल यहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है आर्कटिक के ऊपर जो कि नॉर्थ पोल में है, और ये जो साइन है ना ये आपका साइन दे रहा है कि ओजोन लेयर जो है ना दिन पे दिन जो है बहुत ज़्यादा पतला होते जा रहा है, यानी कि थिन होते जा रहा है ऑल ओवर द प्लैनेट पे, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में आपको ओजोन लेयर जो है थिन होते हुए दिख रहा है, उसमें आपको होल होते हुए दिख रहा है, तो इसलिए ये आपका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ओजोन लेयर आज के डेट में पतला होते जा रहा है। आइए पहले इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। देखिए ये एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। वहीं अगर हम लोग ओजोन लेयर की बात करें तो ये रही हमारी ओजोन लेयर। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है वो बैड ओजोन लेयर होती है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है वो गुड ओजोन लेयर होती है, ओके। तो ये रहा हमारा यहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा जिसमें कि 20-30 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अब देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन एक्चुअली क्या है, किसको रहे हैं। तो इस फिगर में आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे ओजोन डिप्लीशन को। ये 1980 की सिचुएशन है, ये 1990, ये 2000 और ये 2015 की आपकी सिचुएशन है, ओके। तो 1980 में कैसा था, तो ओजोन लेयर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा था। फिर आपका 1919 में कुछ इस तरीके से हुआ, उसके बाद आपको 2000 में देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपका एकदम से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, यानी कि ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, और आज की डेट में आप 2015 में ये देख लीजिए तो 2019 में आप समझ सकते हो कि और कितना यहाँ पर डिप्लीट हो चुका होगा। तो ये कंडीशन आप समझ सकते हो और ये डायग्राम आप बना सकते हो जिसमें कि ओजोन जो आपका डिप्लीशंस हो रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन वो बेटर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ओके। तो आइए अब हम लोग वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक बहुत बेटर टॉपिक है कि क्यों जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है ना वो आज के डेट में अंटार्कटिका में आपको देखने को मिल रहा है, यानी अंटार्कटिका रीजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है। तो अंटार्कटिका जो आपका स्टेटोस्फेयर है ना वो कुछ जरूरत से ज़्यादा आपका ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े आइस शीट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लो टेम्परेचर होती है वहाँ, जिसके कारण आपका पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड यहाँ पे फॉर्म होता है वो भी 20 किलोमीटर के नीचे। ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है आपका सनलाइट, जिससे कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज़ हो पाता है टेम्परेचर, और उसके साथ आपका एल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो पाता है स्टेटोस्फेयर में। अगर ओजोन डिप्लीट हो जाए तो एयर जो है वो ठंडी हो जाएगी और फर्दर जो है फेवरेबल कंडीशन ये ऐड कर देगी, जिसके कारण आपका पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और जो वॉर्टेक्स है ना वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो वॉर्टेक्स जो है एक रिंग ऑफ रैपिडली आपका सर्कुलेटिंग एयर है जिसमें कि आपका ओजोन डिप्लीशन जो है कन्फाइन होता है, यानी कि अगर यहाँ पे वॉर्टेक्स हुआ है तो उसके अंदर आपको ओजोन डिप्लीशन भी देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका अंटार्कटिक वॉर्टेक्स रहेगा ना उसमें आपका फेवरेबल कंडीशन होगा
और इसके साथ आपका क्या होगा कि ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा, तो वॉर्टेक्स रिमेन वहाँ पर रहता है थ्रू आउट द पोलर विंटर में, जिसके कारण आपको जो है ठंडी में आपका ठंडा एयर ज़्यादा यहाँ पर बहता है, तो ठंडी एयर बहने के कारण क्या होता है कि आपका यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स होती है और उसके कारण आपका यहाँ पर ओजोन डिप्लीट हो पाता है। ओके, तो इसलिए अंटार्कटिक रीजन में आपको ज़्यादा यहाँ पर डिप्लीशन होते हुए दिखेगा। टिपिकल जो हैपनिंग होती है ना वो विंटर मंथ में ही होती है, जिसके कारण आपका ओजोन डिप्लीशन बहुत फास्ट हो जाता है। अगर जून में देखें तो अंटार्कटिक विंटर जो है वो स्टार्ट होती है और वॉर्टेक्स डेवलप होने लगता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगती है और यहाँ पे आपका क्लाउड फॉर्म होने लगता है। जुलाई अगस्त तक क्या होता है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ना वो यहाँ पे डीनाइट्रिफाइंग हो जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में प्रिसिपिटेशन के कारण, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो क्लोरीन नाइट्रेट है ना वो यहाँ पे आपका क्लाउड सर्फेस से रिएक्ट करता है और फिर फ्री क्लोरीन और जो आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद आपका विंटर टेम्परेचर जो है ना वो आपका ड्रॉप हो जाता है एकदम लोएस्ट पॉइंट में। सितंबर में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो वापस से रिटर्न हो जाता है वॉर्टेक्स के सेंटर में, और उसके बाद जो है आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है। अक्टूबर मंथ में क्या होता है कि लोएस्ट लेवल आपको ओजोन का देखने को मिलेगा। नवंबर मंथ में जो आपका पोलर वॉर्टेक्स होता है पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है और ओजोन रिच होती है आपका मिड लैटिट्यूड से, जिससे कि आपका अंटार्कटिक जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर है वो रिप्लेनिश होने लगती है और ओजोन पुअर एयर जो है ना पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रेड हो जाती है। तो सबसे मेन जो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है वो यही है कि अंटार्कटिक रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होती है, जिसके कारण आपका जो ठंडी एयर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहती है, वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके कारण आपका ओजोन डिप्लीशन फास्ट होता है। आर्कटिक ओजोन डिप्लीशन के बारे में अगर हम लोग समझे तो ओजोन डिप्लीशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है आज के डेट में आर्कटिक रीजन में भी। तो जो आर्कटिक ओजोन डिप्लीशन है वो भी यहाँ पे आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, वो भी मार्च 96 में, जो कि ग्रेटेस्ट डिप्लीशन आज के डेट में हम लोग को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिला था। साइंटिस्ट यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ये आपका होता है पास से होते आ रहा है, लेकिन ड्रामेटिक जो आपका अपर एटमोसफेयर में कूलिंग देखने को मिल रहा है ना नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, उसके कारण ये होते आ रहा था। ओजोन डिप्लीशन अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें तो ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है जब से विंटर जो है 1992 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो हम लोग ओजोन को यहाँ पे मेजर कैसे करते हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं और कैसे पता चल रहा है कि ओजोन आज के डेट में कम होते जा रहा है? तो जो ओजोन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है और जो टेक्निक है ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, उनमें से कुछ जो है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है। ओके, इसको याद रखना है, डॉप्सन का स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है और जो फिल्टर ओजोनोमीटर है जिसको हम लोग M83 भी कहते हैं, और जो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर है ना वो आपका निम्बस 7 सैटेलाइट में देखने को मिलेगा। तो ये आपका ओजोन जो है इस तरीके से आपका मेजर किया जाता है। अमहेरर टेक्निक भी है, एक कॉमन मेजर्स है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे टोटल जो ओजोन अबंडेंस है डॉप्सन यूनिट में उसको यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। तो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर होता है जिसके थ्रू हम लोग ओजोन को यहाँ पे आपका मेजर कर पाते हैं। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन का होता क्या है। तो जो आपका टोटल कॉलम ओजोन है ना उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण आपका जो पेनेट्रेशन है सोलर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बी रेडिएशन का वो बढ़ते जा रहा है अर्थ सरफेस में। यूवी बी रेडिएशन जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक कंपोनेंट है सनलाइट की, जो कि अर्थ सरफेस में रिच करता है। इसमें आपका प्रोफाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा ह्यूमन हेल्थ में, एनिमल में, प्लांट में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मटेरियल में और एयर क्वालिटी में भी। ह्यूमन और एनिमल हेल्थ में अगर हम लोग इफेक्ट देखें तो पोटेंशियल रिस्क देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा आई डिजीज़ होने का चांसेस होता है, स्किन कैंसर होने का और इन्फेक्शस डिजीज़ होने का चांसेस होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमारे आँखों में जो कॉर्निया होते हैं उसको डैमेज करता है और आँखों के लेंस को भी डैमेज करता है। उसके बाद अगर हम लोग लाइट स्किन कलर्ड पॉपुलेशन देखें तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है काफ़ी रिस्क फैक्टर्स है, जिसके थ्रू हमारे स्किन कैंसर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूवी बी रेज होती है, जो कि काफ़ी आपका एनर्जेटिक और हार्मफुल होता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, जितने भी चेमलॉन्स होते हैं ना उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने कलर चेंज कर पाते हैं जब यहाँ पे उनको स्टिमुली में चेंज होना होता है, यानी कि जैसे ही लाइट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, इमोशन चेंज होता है, वैसे ही चेमलॉन्स भी अपने कलर को यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। ओके, अब टेरिटोरियल प्लांट में इसका क्या इफेक्ट है ये देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंट प्रोसेस जो प्लांट का है वो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से काफ़ी अफेक्ट होता है, यानी कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्लांट का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फॉरेस्ट और ग्लासलैंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट
नेचुरल देखने को मिलेगा कि जो भी स्पीसीज़ की कंपोजिशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, और बायोडायवर्सिटी में भी इसका इम्प्लीकेशन है। इनडायरेक्ट चेंजेस जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट बी रेजेस से देखने को मिलता है, जिसमें कि प्लांट फॉर्म होते हैं, बायोमास कलेक्ट होती है, और ये आपका प्लांट का फॉर्मेशंस होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग इफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो इससे क्या होता है कि एक्सपोज जब सोलर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती है तो इसमें आपके ओरिएंटेशन मैकेनिज्म और मोटिलिटी ये दोनों आपका देखने को मिलता है। फाइटोप्लैंकेटन में ये इफेक्ट देती है, जिसके कारण आपका सर्वाइवल रेट जो है ना, इन लोग की जो लाइफ टाइम होती है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि लाइफ लाइन जो होती है वो कम हो जाती है। सोलर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस जो है इससे आपका डैमेज हो पाता है फिश की स्टेजेस, यानी कि फिश जितना साल तक जी पाती है उसका यहाँ पर लाइफ लाइन कम होता है, एम्फीबियंस की भी और कुछ और एनिमल्स की भी। अब इफ़ेक्ट अगर बायो जियो केमिकल साइकिल में देखें तो जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज़ होता है, इससे आपका टेरिटोरियल और एक्वेटिक बायो जियो केमिकल साइकिल इंक्रीज़ होता है, अफेक्ट होता है, और इससे आपका जो ग्रीन हाउस गैस का सोर्सेज है और जो सिंक करने का है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब हो पाता है। जो पोटेंशियल चेंजेस है वो आपका बायोस्फीयर एटमोसफेयर में यहाँ पर कंट्रीब्यूट होते हुए दिखता है। ओके, एयर क्वालिटी में इसका क्या इफेक्ट है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में रिडक्शन जैसे ही होता है तो ये आपका अल्ट्रावायलेट रेड्स जो है ना काफ़ी यहाँ पर आपका इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण फोटो डिसोसिएशन रेट काफ़ी बढ़ जाता है और जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होने लगता है। इसके कारण आपका जो ओजोन है उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रिलीज भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि काफ़ी एडवर्स इफेक्ट दिखाती है हमारे ह्यूमन हेल्थ में, टेरिटोरियल प्लांट में और आउटडोर मटेरियल्स में भी। चेंजेस जो है हमारे एटमोस्फेरिक कंडीशंस में भी, कंसंट्रेशंस में भी देखने को मिलता है, और ट्रोपोस्फेरिक जो रिएक्टिविटी है ना वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाती है, जिसके कारण हमारा जो क्लाउड कंसंट्रेशंस न्यूक्लियाई है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीडेशंस भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका न्यूक्लियाइजेशंस आपका सल्फर का भी होता है। ओके, तो काफ़ी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा कि इसका इफेक्ट होता है, और इफेक्ट जो है वो आपका पुअर ही होता है। मटेरियल में अगर देखें तो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, नेचुरली अकरिंग जो बायो पॉलीमर्स है, साथ ही साथ इसमें कुछ और मटेरियल्स है जो कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए भी है, तो वो भी एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन अगर हम लोग मटेरियल का देखें, पर्टिकुलरली प्लास्टिक का, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिमांड रूटीन एक्सपोजर होता है सनलाइट से, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लाइट स्टेबलाइजर्स यूज़ होता है। ओके, कोई भी इंक्रीज अगर हम लोग सोलर अल्ट्रावायलेट बी कंटेंट में देखते हैं तो वो आपका पार्शियल ओजोन डिप्लीशन के कारण होता है, जिसके कारण यहाँ पे फोटोग्रेडेशंस का जो आपका रेट है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, तो प्लास्टिक वगैरह भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज बी के आपका जब कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी आपका उनका जो मटेरियल का क्वालिटी है वो भी ख़राब होने लगती है। ओके, अब डू यू नो देख लेते, जो ग्रे स्लेंडर रोरीज है ये आपका इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट है, जो कि इसकी नेचुरल हैबिटेट सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है और सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड फॉरेस्ट है। ये थ्रेटन किए जा रहे हैं, अभी इनकी हैबिटेट जो है लॉस हो रही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप स्पीसीज के बारे में ऐसे से पढ़ते रहोगे बीच बीच में, तो आपको स्पीसीज का नाम भी याद हो जाएगा और उनकी IUCN रेड लिस्ट भी याद हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गई, 19 चैप्टर, जिसमें कि ओजोन डिप्लीशन के बारे में हम लोग हर एक चीज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारी होगी इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंजेस से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में और डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट में देखने वाले हैं, हर एक टॉपिक को ब्रॉडली यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।